सीरियल ससुराल सिमर का 2 में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। सिमर ने अपने पति आरव के साथ अपने ससुराल ओसवाल मेंशन में एंट्री कर ली है और जिसके बाद इस घर में होने वाला है धमाकेदार ड्रामा। आज के एपिसोड के शुरुआत में ही आरव विवान और सिमर से कहता है कि वो उसकी जिंदगी हैं और उसके बिना उसका जीना मुश्किल है। अदिति ये सुनकर नाराज हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे भूल गया है। आरव मना कर देता है और कहता है कि सभी को उसके जैसी बहन मिलनी चाहिए। आरव सिमर से कहता है कि उसके लिए इस परिवार के सदस्यों का दिल जीतना काफी मुश्किल होने वाला है। सिमर उसे टेंशन नहीं लेने के लिए कहती है क्योंकि उसे यकीन है कि जल्द ही हर कोई उन्हें माफ कर देगा। विवान सिमर और आरव से कहता है कि अब उन्हें घर के अंदर जाना चाहिए। सिमर घर के अंदर कदम रखने ही वाली होती है लेकिन अदिति उसे रोक लेती है और विवान को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वह किचन से कुमकुम की थाली और चावल से भरा कलश लेकर आती है। सिमर को पुराने दिन याद आ जाते हैं और सिमर इमोशनल हो जाती है। फिर सिमर गृह प्रवेश कर घर के अंदर जाती है। कुछ देर बाद गीतांजलि देवी सिमर का अपमान करती हैं। विवान उनसे कहता है कि अब उन्हें सिमर और आरव का अपमान करना बंद कर देना चाहिए, जबकि गीतांजलि देवी कहती हैं कि भले ही ये लोग घर में रहने लगे हैं मगर कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। आरव गीतांजलि देवी से कहता है कि उसे उनका दिया हुआ ये गिफ्ट हमेशा याद रहेगा। सिमर को अचानक से चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अदिति उसे संभालती है और कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है। सिमर कहती है कि हाँ सब ठीक है। आरव कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। विवान भी आरव की बात से सहमत होता है और विवान कहता है कि सबको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सिमर मना कर देती है। वह कहती है कि यहाँ वह अपने परिवार के साथ रहकर बात कर पाएगी और सबको मना पाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सिमर अपने परिवार को मनाने में कामयाब होगी।